जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं हेमंत प्रजापति आप सबका अपना स्वागत करता हूं अपने चैनल जीनियस इंडिया में। और आज हम आप सभी को क्लास 11 का लेसन चल रहा था परमाणु संरचना, उसी परमाणु संरचना का आज हम पार्ट दूसरा आपको पढ़ाएंगे। फर्स्ट लेक्चर में हमने आपको परमाणु के बारे में बताया था, सबसे पहले महर्षि कानात के द्वारा, इसके बाद जॉन डाल्टन आए, उन्होंने परमाणु के बारे में बताया। इसी प्रकार कई वैज्ञानिकों ने परमाणु के संबंध में अपने अपने व्याख्यान तथ्य प्रदर्शित किए, और आज हम परमाणु के ही संबंध में आगे चलते हैं। कैथोड किरणें, कैथोड किरणें क्या है यानी इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में हम जानेंगे। इलेक्ट्रॉन की खोज, कैथोड किरणें और यानी इलेक्ट्रॉन की खोज। माना यह जाता था पहले कि कम दाब पर, एक कहने का दाब है, यहां पर हम थोड़ी सी बात लिखते हैं, कहा जाता है कि साधारण दाब पर यानी नॉर्मल प्रेशर पर सभी गैसें विद्युत की अचालक होती है। यह माना जाता था कि अगर नॉर्मल प्रेशर है तो उस प्रेशर पर गैसें क्या होती हैं, विद्युत की अचालक होती है, यानी उनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती, यानी उस गैस में विद्युत धारा नहीं बह सकती। लेकिन गैसलर नाम का यह व्यक्ति था, उस व्यक्ति ने यानी उस वैज्ञानिक ने अपने प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया कि साधारण दाब ना लेकर आप अत्यधिक कम दाब भी ले लें, अत्यधिक कम दाब पर भी अपना प्रयोग कर सकते हैं, और साधारण दाब तो छोड़ो, अत्यधिक कम दाब पर भी आप गैसों में विद्युत धारा प्रवाहित कर सकते हैं। इसी सिद्धांत यानी गैसलर के सिद्धांत के लेते हुए वैज्ञानिक आए विलियम क्रुक्स व्यक्ति आए। विलियम क्रुक्स ने बताया क्या, और उन्होंने क्या किया, एक विसर्जन नली ली, क्या लिया, एक विसर्जन नली ली, मान लीजिए हमने एक विसर्जन नली ली, उन्होंने विसर्जन नली के एक सिरे पर कैथोड लगाया और एक सिरे पर एनोड लगाया, और कैथोड विसर्जन नली के अंदर 10^-2 से लेकर 10^-3 प्रेशर और इनके मध्य विभवांतर 10,000 वोल्ट का प्रभावित करते हैं। कितना? 10,000 वोल्ट। कहा जाता है कैथोड किरणों की खोज के बारे में कि बताया जाता है कि साधारण दाब पर गैसें कैसों की विद्युत की अचालक होती है, यानी गैसों में विद्युत धारा नहीं बह सकती। लेकिन गैसलर ने क्या बताया कि अत्यधिक कम दाब भी ले लें आप तो गैसों में धारा प्रभावित कर सकते हैं। इसी आधार पर विलियम क्रुक्स ने क्या किया, एक विसर्जन नली ली, उस नली के अंदर 10^-2 10^-3 mmHg का दाब लिया, और उनके सिरों के मध्य यानी तार लिए इलेक्ट्रोड और कैथोड के मध्य 10,000 वोल्ट का विभवांतर आरोपित किया। जब विभवांतर आरोपित करके देखा क्या कि जो कुछ किरणें थी, जी आपका कैथोड था, क्या था, ये कैथोड, और ये आपका था एनोड, तो कैथोड से कुछ किरणें निकली, जैसे ही 10,000 वोल्ट का विभवांतर आरोपित किया वैसे ही विसर्जन नली में अंधेरा छा गया। विसर्जन नली में क्या हुआ, अंधेरा छा गया, और कैथोड से कुछ किरणें निकली जो कहां गई, एनोड की दीवार में पड़ गई, और एनोड से टकरार कर एक पर्पल ग्लो कर यानी नील लोहित दीप उत्पन्न होता है, नील लोहित दीप यानी पर्पल ग्लो, पर्पल किलो रंग उत्पन्न करते हैं, यानी जैसे ही 10,000 वोल्ट का विभवांतर आरोपित किया तो क्या हुआ, इस विसर्जन नली में अंधेरा छा गया और कैथोड से कुछ किरणें निकली, एनोड की तरफ भागने लगी, और एनोड की दीवार से टकराई तो नील लोग दीप्त यानी पर्पल किलो उत्पन्न करते हैं, और यह किरणें कैथोड से निकली थी, इसलिए इन किरणों को कैथोड किरण कहा गया था, और किरणें का नाम कैथोड किरणें रख गया। लेकिन पोरल नाम का एक
विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित हो जाती है, यानी चुंबकीय क्षेत्र को में भी अपना प्रभाव डालती है। इसी आधार पर जे जे थॉमसन ने क्या किया, इसका नाम इलेक्ट्रॉन रखा और कहा कि कैथोड किरणें ऋण आवेशित कणों से मिलकर बनी होती हैं, इसलिए इनको हम कैथोड किरणें के साथ साथ इन्हें इलेक्ट्रॉन नाम देते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको कैथोड किरणें कंप्लीट हुई होगी। एक बार और दोहरा दूं, आपको बताया मैंने कि कहा जाता है कि साधारण दाब पर गैसें विद्युत के चालक होती हैं, लेकिन क्या हुआ, गैसलर वैज्ञानिक ने अपने प्रयोग के आधार पर सिद्ध किया कि कम दाब पर भी गैसों में धारा प्रवाहित कर सकते हैं, यानी करंट हम डाल सकते हैं। इसके बाद विलियम क्रुक्स ने एक विसर्जन नली ली, उस विसर्जन नली में 10^-2 से 10^-3 MMHg यानी इतना हमने प्रेशर लिया उस विसर्जन नली में, और कैथोड एक तरफ, कैथोड प्रतिक्रिया एक तरफ एनोड, कैथोड और एनोड के तारों के मध्य 10,000 वोल्ट का विभवांतर आरोपित किया। जैसे ही धारा एवं विभवांतर आरोपित किया तो पूरी विसर्जन नली में अंधेरा छा गया। तो कुछ किरणें थी जो कैथोड से एनोड की तरफ गई, इसीलिए इन किरणों को कहा गया कैथोड किरणें। क्यों? क्योंकि यह कैथोड से निकली। पोरन वैज्ञानिक ने बताया कि ये किरणें चुंबकीय क्षेत्र में भी विक्षेप, चुंबकीय क्षेत्र में भी अपना प्रभाव डालती है, मैग्नेटिक फील्ड में अपना इफेक्ट डालती हैं। और जे जे थॉमसन ने सिद्ध किया, बताया कि एक कैथोड किरणें ऋण आवेशित कणों से मिलकर बनी होती हैं, इसलिए इनको उन्होंने इलेक्ट्रॉन कहा। और आप जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 6×10^19 कूलम और इस इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1×10^33 kg। ये सब चीज़ें हम आपको परमाणु संरचना वाले लेसन फर्स्ट में यानी पार्ट 1 में बता चुके हैं, तो वीडियो की लिंक जो होगी वो डिस्क्रिप्शन में आपको दे दी जाएगी। ये था आपकी कैथोड किरण। अब हम चलते हैं न्यूट्रॉन की खोज पर, बहुत ही इंटरेस्टिंग खोज है, इससे भी अच्छी। तो न्यूट्रॉन की खोज आप जानते हैं एक वैज्ञानिक था जिनका नाम था चैडविक। न्यूट्रॉन की खोज के बारे में हम बात करें तो न्यूट्रॉन की खोज आप जानते हैं चैडविक ने की थी। किसने की थी? चैडविक। तो बात ध्यान देना, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? चैडविक ने। लेकिन हुई कैसे, तो आपको इंटरेस्टिंग बात बता दूं। जर्मन के दो व्यक्ति थे, यानी दो वैज्ञानिक, व्यक्ति का तात्पर्य वैज्ञानिकों से ही होता है। जर्मन के दो वैज्ञानिक थे, एक का नाम था बोथे और एक का नाम था बीकर। ये दो व्यक्ति थे जर्मन के रहने वाले, और यह खोज 1930 में हुई। किसमें हुई? 1930 में। यानी जर्मन के दो व्यक्ति थे बोथे और बीकर, 1930 की बात है। उन्होंने क्या किया, बेरिलियम परमाणु लिया। क्या लिया? बेरिलियम परमाणु। आप जानते हैं बेरिलियम परमाणु का एटॉमिक नंबर 4, एटॉमिक वेट 9 होता है। उन्होंने क्या किया 1930 में, बोथे और बीकर ने बेरिलियम परमाणु लिया, उस पर अल्फा कण डाली। क्या डाली? अल्फा कण, ठीक। और अल्फा कण के बारे में हम जानते हैं एक अल्फा कण पर क्या होता है, 2H4 होता है। क्या है अल्फा कण? एक अल्फा कण पर, ये बेरिलियम परमाणु। जर्मन के दो वैज्ञानिक बोथे और बीकर ने 1930 में क्या किया, बेरिलियम परमाणु पर अल्फा कण की बमबारी की। तो आप देखो उन्होंने क्या देखा, तो आप जानते हैं अगर इन दोनों को जोड़े तो 9^4, 13^4, 6 यानी कार्बन 12 और प्लस में एक किरण निकाली गामा किरण। बात समझ में मेरी आपको, कौन सी किरण है? गामा किरण। यानी कहने का तात्पर्य है 1930 में क्या हुआ, बोथे और बीकर ने बेरिलियम परमाणु लिया, उस पर अल्फा कण डाले और देखा कि एक प्रकार की विशेष प्रकार की किरणें निकली जिनकी भेदन क्षमता बहुत तीव्र थी, बहुत अधिक थी। लेकिन बोथे और बीकर ये नहीं जान पाए कि ये किरणें कौन सी हैं, उनका नाम नहीं दे पाए, और उन्होंने कहा कि इनकी भेदन क्षमता बहुत अधिक है, इसलिए उसका नाम उन्होंने गामा किरण
में लिखा और अपना प्रयोग वही छोड़ दिया और इलेक्ट्रॉनिक बोले खोज हो चुके। लेकिन 1932 में चैडविक व्यक्ति और उन्होंने फिर वही प्रक्रिया दोहराई कि बेरिलियम परमाणु लिया और ये अल्फा कर लिया और देखा कि जो आपने निकाला है वो गामा किरण का होकर ये प्रकार क्या है उदासीन कण है। क्या से है उदासीन कण। उदासीन को इंग्लिश में आप जानते हैं बोलते हैं न्यूट्रल और जब इंग्लिश में न्यूट्रल बोलते हैं इसलिए इसको कहा गया था न्यूट्रॉन। और आप जानते हैं नाभिक का जो पार्ट होता वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से ही मिलकर बना होता है यानी बोथी और बेकर ने अपना प्रयोग बीच में ही छोड़ के उसका नाम गामा किरण रख दिया। लेकिन आपका जो चैटर व्यक्ति था दो साल बाद आया उन्होंने क्या कहा कि उसी प्रकार की जो किरणें आपने प्राप्त की वो गामा किरण नाम का एक बहुत एक प्रकार के उदासीन कण है उदासीन किरणें हैं उदासीन के इंग्लिश में होता है न्यूट्रल इसलिए इसका नाम पड़ा न्यूट्रॉन। क्या पड़ा न्यूट्रॉन यानी इसी प्रकार न्यूट्रॉन की खोज हुई। आप कंप्लीट हो गया उसी बात में। अब हम चलते हैं इसके बाद वैज्ञानिक आया टॉमसन। तो टॉमसन के बारे में और बात करेंगे हम। तो टॉमसन व्यक्ति ने क्या देखा क्या बताया कहा थॉमसन का परमाणु मॉडल होता है आधार में थॉमसन का परमाणु मॉडल। थॉमसन ने अपना एक मॉडल दिया जिसका नाम उन्हीं के आधार पड़ा जिसे हम बोलते हैं तरबूज मॉडल। क्या बोलते हैं तरबूज मॉडल। तरबूज मॉडल क्यों कहते हैं वो भी आपको समझ में आ जाएगी बात। थॉमसन ने एक मॉडल दिया और उन्होंने बताया कि परमाणु जो होता है 10^-10 मीटर त्रिज्या का ठोस गोला होता है। कैसा गोला होता है ठोस। बात यहां नोट करेंगे आप क्योंकि आगे नजर बोर्ड का जो प्रयोग चलेगा वहां पर इस बात की बहुत पुष्टि होगी। थॉमसन ने क्या बताया कि जो परमाणु है आपका वो 10^-10 मीटर त्रिज्या का एक ठोस गोला होता है। क्या होता है 10^-10 मीटर त्रिज्या का एक ठोस गोला होता है ये बताया थॉमसन ने और कहा कि इस परमाणु के अंदर संपूर्ण धनावेश यानी संपूर्ण परमाणु के अंदर जो है द्रव्यमान और धनावेश समान रूप से वितरित होता है। 10 यानी परमाणु जो है वो 10^-10 मीटर त्रिज्या का ठोस गोला होता है जिसके अंदर द्रव्यमान होता है और धनावेश समान रूप से वितरित होता है। कैसे मतलब समान रूप से वितरित होता है समान रूप से वितरित होता है। बात समझ में आ रही यानी उन्होंने ये बताया और साथ साथ में बताया कि धनावेश क्या होता है उसका क्या है समान रूप से वितरित होता है और साथ में ये कहा कि इसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एक तरबूज के गूदे की भांति धसे होते हैं यानी जिस प्रकार एक तरबूज में उसके बीज धसे होते हैं वैसे ही परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो जगह जगह धसे होते हैं कैसे तरबूज की गूदे की भांति। और साथ में ये भी बताया कि जितने भी आपके धनावेश कण होंगे उतने ही ऋणावेश कण होंगे यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक और ऋणावेश यानी प्लस की संख्या और इक्वल माइनस की संख्या क्या होगी बराबर। एक बार समझेंगे बात को। थॉमसन ने क्या बताया था कि 10^-10 मीटर त्रिज्या का ठोस गोला होता है जिसके अंदर का अंतर जिसके अंदर संपूर्ण द्रव्यमान यानी धनावेश भाग समान रूप से वितरित होता है तथा इलेक्ट्रॉन इस प्रकार उसमें धसे होते हैं जैसे एक तरबूज के गूदे में उसके बीज धसे होते हैं। साथ में बताया कि प्लस और माइनस यानी धनावेशों की संख्या और ऋणावेशों की संख्या बराबर होती है। इस प्रकार उन्होंने एक खासियत यह प्राप्त की कि परमाणु के अंदर धनायन और ऋणायन की संख्या कैसी होती है बराबर होती है। एक था इनका परमाणु मॉडल। तो तरबूज मॉडल इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप जान चुके हैं क्योंकि जिस प्रकार परमाणु तरबूज में उसके बीज धसे
महापाइन के विचार